निशा रसोई की आज की रेसिपी है मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। ये एक टोस्ट का पैकेट है और ये है मैंगो, दशहरी आम है ये, और ये है अमूल फ्रेश क्रीम, और ये है दूध का पाउडर एक पैकेट, और ये है एक लीटर दूध, ये 7 छोटे चम्मच चीनी है, और ये 4 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर है। गैस मैंने ऑन कर दी हूँ और दूध को मैं बॉईल कर ले लूँगी, और आम को भी मैं छील कर 2 आम को मैं पीस लूँगी और 2 आम को मैं कट कर ले लूँगी। दूध बॉईल हो चुका है, इतना दूध मैंने कस्टर्ड घोलने के लिए ठंडे को रख दी हूँ, इसमें मैं कस्टर्ड घोल लूँगी। अब मैं दूध में चीनी ऐड कर दूँगी और इसी ही दूध में से मैं टोस्ट को भिगाने के लिए भी दूध निकाल लूँगी। चीनी मैंने सही ऐड कर चुकी हूँ। आम को मैं 2 आम को मैं पीस चुकी हूँ मिक्सर के जार में और 2 आम को मैंने कट कर ले ली हूँ। इतना दूध मैंने टोस्ट को भिगाने के लिए निकाल ली हूँ, इसी दूध में से अब मैं दूध का पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। मिलाकर मैं पका लूँगा। कस्टर्ड को मैंने दूध ठंडा करके इस तरीके से घोल ली हूँ अच्छी तरीके से। एक हाथ से मैं दूध को हिलाते जाऊँगी और एक हाथ से मैं कस्टर्ड को ऐड कर दूँगी और इसी तरीके से मैं सारों को मिलाकर अच्छी तरीके से पकाकर इसको गाढ़ा कर लूँगी। कस्टर्ड हमारा दूध में अच्छी तरीके से पक चुका है और 2 मिनट बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से ठंडा कर लूंगी। अमूल फ्रेश क्रीम को मैं इस कटोरे में डालकर अच्छे से फेंट लूंगी। इसके साथ चाहे आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें मैंगो जो पीस कर रखी थी, ठंडा होने के बाद ही हमको मैंगो को मिलाना है और मैं इसको अच्छी तरीके से मैंगो को मिलाकर ले लूँगी सारे कस्टर्ड में। सारों को मैंने दूध में मैंगो को कस्टर्ड के साथ घोल ली हूँ और ये दूध है, ये मैंगो है, ये पिस्ता है, काजू बादाम है, फ्रेश क्रीम को भी मैंने घोल ली हूँ, टोस्ट को भी मैं ले ली हूँ। अब मैं इसकी गार्निशिंग अच्छे से इसको जमा, अब टोस्ट को मैं दूध में इस तरीके से भिगा लूँगी और इस तरीके से मैं टोस्ट को भिगा कर ले लूँगी। सारे टोस्ट को मैं दूध में भिगा कर इस तरीके से ले लूँगी। टोस्ट को मैंने दूध में भिगा ली हूँ। अब मैं ये जो कस्टर्ड है पका कर रखी थी इसको टोस्ट के ऊपर ऐड कर लूँगी, सारे कस्टर्ड को ऐड कर लूँगी। और इसकी मैं दूसरी लहर भी लगा लूँगी इसी तरीके से। काजू बादाम को भी मैं ऐड कर दूंगी और थोड़े में मैंगो भी ऐड कर दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी लहर भी लगा कर ले लूँगी। इस तरीके से मैं दूसरी लहर तो उसकी लगा लूँगी। दूसरी लहर को भी मैं इसी तरीके से दूध में भिगा कर तो उसको ले ली हूँ और इसके ऊपर मैं कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। सारे टोस्ट को मैंने दूध कस्टर्ड में ऐड कर ली हूँ। अब मैं अमूल फ्रेश क्रीम को भी टोस्ट के ऊपर ऐड कर दूंगी। इस तरीके से मैं ऐड कर ले लूँगी।
अब मैं पिस्ता, काजू बादाम इसको भी मैं ऐड कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसे अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी और मैंगो को भी मैं ऐड कर दूंगी। दो घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। दो घंटे के लिए मैंने फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी और ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बन चुके हैं। इसको मैंगो केस्टर केक भी कह सकते हैं, पुडिंग भी कह सकते हैं। कितनी ये ज़बरदस्त बन चुकी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।